चीन ने 2023 के लिए अपना नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया है, जिसमें उसने कई देशों के क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया है। मैप में भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन ने अपने हिस्से में दिखाया है। इसके साथ ही चीन ने फिलीपींस और मलेशिया के समुद्री क्षेत्रों को भी अपना बताया है, जिसे लेकर दोनों देश भड़क गए हैं। चीन के स्टैंडर्ड मैप पर भारत की ही तरह फिलीपींस और मलेशिया ने भी भारी आपत्ति जताई है। चीन ने अपने मैप पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया है, जिस पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं फिलीपींस ने कहा कि वो चीन के हालिया मैप को अस्वीकार करता है, जो कई देशों के हिस्सों को चीन क्षेत्र में बता रहा है। फिलीपींस के साथ देते हुए मलेशिया ने भी चीन के नए मैप को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी KMC के मेयर बालिन शाह ने मानचित्र विवाद को लेकर चीन की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। बता दें कि 31 अगस्त को मेयर बालिन शाह की 5 दिवसीय चीन यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन मई 2020 के अनावरण किए गए नेपाल के मानचित्र को चीन द्वारा हटाए जाने पर उन्होंने भारी नाराजगी जताई। और 31 अगस्त को फेसबुक पर मेयर शाह ने कहा कि उन्हें अनैतिक आधार पर अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर 28 अगस्त को प्रकाशित चीन मानचित्र में नेपाल के पुराने मानचित्र का उपयोग किया गया था। दरअसल चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा पेश करता है, और दक्षिण चीन सागर व्यापार के लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके जरिए सालाना खरबों डॉलर का व्यापार होता है।